हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। तो आज हम डीप डिस्कशन करने वाले हैं यस बैंक के बारे में, क्योंकि ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। पहली बात, या तो यस बैंक डूब गया, नहीं तो यस बैंक ने लोगों को डुबा दिया। ये दो चीज़ में से तो एक कन्फर्म है। आप कॉमेंट करके बताओ दोनों में से क्या होना चाहिए, ठीक है? और ये हम दूसरी बार देख रहे हैं दोस्तों कि यस बैंक ने डबल बॉटम बनाया है 30 के आसपास। आपने सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखिए, मैं 1 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पहला बॉटम बनाया था ये भी 30 के आसपास ही था, और ये जो दूसरा बॉटम बनाने जा रहा है ये भी 30 के आसपास ही है। पहले दोस्तों फॉरेन जो ब्रोकरेज थे, मॉर्गन स्टैनली था, वो पहले बोला कि इसका टारगेट को 25 कर दिया जा रहा है, ठीक है? यस बैंक का जो टारगेट है 25 कर दिया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद भी यस बैंक के टारगेट में कटौती दिखी जा रही है। अब तो दोस्तों ये जो है बहुत बुरी न्यूज़ है, ये बहुत बुरी न्यूज़ है। आप लोगों के सामने है, ये डिस्प्ले हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया जा रहा कि यस बैंक शुड बी मर्ज्ड, मतलब कि दोस्तों अब यस बैंक की ये स्थिति आ चुकी है कि यस बैंक को मर्ज करना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर बताया जा रहा है कि यस बैंक को मर्ज किया जा सकता है। किसके साथ? SBI के साथ, SBI के साथ, ठीक है? इफ इंडिया वॉन्ट टू अवॉइड, मतलब इंडिया अगर इसको छुपाना चाहता है, किस लिए छुपाना चाहता है दोस्तों? ये बैंकिंग ट्रेजेडी, मतलब कि दोस्तों कोई दुर्घटना होने से आने, अगर बैंकिंग सेक्टर में कि कभी किस बैंक को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए उससे पहले कि बैंक को मर्ज किया जाए। देखिए आपके सामने न्यूज है। अब बहुत लोग सोच रहे हैं कि अगर मर्ज किया जाएगा तो हमारे स्टॉक का क्या होगा, या हमारे पास जो क्वांटिटी पड़ा हुआ है शेयर का वो क्या होगा, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये था दोस्तों बैड न्यूज अबाउट यस बैंक कि अब क्या किया जाएगा यस बैंक के लिए। यहां तक ठीक था। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर उस क्वेश्चन का सही आंसर आप देते हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको लॉस ना हो और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है? सपोज मान लीजिए अगर आपको पता रहता कि यस बैंक का प्राइस बहुत तेजी से गिरने वाला है, जब इसका प्राइस, यस बैंक का जो प्राइस है 200 के आसपास था, तभी आपको पता चल जाता कि नहीं, यस बैंक में बहुत तेज गिरावट होने वाली, तो क्या आप इसको बाय करते या नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता हो गया, ठीक है? क्योंकि देखो आप कब किसी भी स्टॉक को क्यों खरीदते हो। आप मान लीजिए यस बैंक के किसी ने इसको खरीद लिया 38 के भाव पे, ठीक है, खरीद लिया। मैंने क्यों खरीदा? क्यों इसलिए खरीदा क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे प्रॉफिट होगा, कल या परसों मुझे प्रॉफिट होगा, इसलिए मैंने खरीदा, ठीक है? तो पहले खरीदा ना। तो उसी तरह अगर आपको पहले पता होता तो क्या आप यस बैंक को खरीदते और आज आपको इतना बड़ा लॉस होता? नहीं होता। तो ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यस बैंक का वीडियो बनाया था, बहुत पहले बनाया था, बहुत पहले। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो चौंक जाओगे, शायद बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटेड ये वीडियो, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने साफ साफ लिखा है यस बैंक डूब गया, वेरी बैड न्यूज़, ठीक है? मैंने साफ साफ लिखा है कि यस बैंक डूब गया, मतलब कहानी खत्म हो चुका, ठीक है? अब मैं आपको डेट दिखाता हूँ क्योंकि डेट प्रूफ के तौर पे आपको दिखाना पड़ता है, इसलिए, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए मैंने 26 अप्रैल को मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है? और वो भी 2019, आज है 2020 दोस्तों, जनवरी आ चुका है और मैंने ये वीडियो बनाया था अप्रैल में, ठीक है? अब देखते हैं प्ले करके, ठीक है? यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या बोला था यस बैंक के बारे में, ताकि आप लोगों को प्रूफ पता चल जाए और ये भी पता चल जाए कि तब जब मैं वीडियो बनाया था तब क्या प्राइस था और आज की डेट में क्या प्राइस है। तो दोस्तों आ गया हूं मैं सबसे पहले न्यूज लेकर, वो भी यस बैंक के बारे में। ये यस बैंक जो है दोस्तों वो डूब गया है, डूब गया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? मतलब इसका शेयर का जो प्राइस है दोस्तों वो बहुत 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 जल्दी गिरने वाला है और बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो देखिए आपने मेरे शब्दों को समझा दोस्तों? मैंने साफ साफ बोला कि यस बैंक, पहली बात मैंने बोला कि यस बैंक डूब गया है, ठीक है? अब देखो जिनको लॉस हुआ है वो गुस्सा मत कीजिए, थोड़ा सीखिए समझिए, तब आपको आने वाले दिनों में लॉस नहीं होगा, ठीक है? मैंने साफ साफ यहाँ पर बोला कि जिन्होंने भी यस बैंक को खरीदा है, यस बैंक जो है डूब गया है। डूब गया है इसका मतलब क्या है? डूब गया का मतलब है कि यस बैंक बहुत बहुत ज़्यादा प्राइस जो है इसका डिक्रीज होने वाला है। एक बार मैं और आपको वीडियो सही से सुना देता हूँ। तो दोस्तों
दोस्तों आ गया हूँ मैं सबसे पहले न्यूज़ लेकर, वो भी यस बैंक के बारे में। ये यस बैंक जो है दोस्तों वो डूब गया है। डूब गया है इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब इसका शेयर का जो प्राइस है दोस्तों वो बहुत 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 जल्दी गिरने वाला है और बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। जिनको दोस्तों अगर इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए और प्रॉपर डिटेल चाहिए वो दोस्तों हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं हमारे। बस ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो सर्विस का नंबर था। अब देख लेते हैं यस बैंक का उस टाइम प्राइस क्या चल रहा था, मतलब करेंट प्राइस क्या चल रहा था जिस टाइम पे मैंने ये वीडियो बनाया था। तो उस टाइम में दोस्तों यस बैंक का जो है करेंट प्राइस चल रहा था 237 रुपीज चल रहा था। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करने का कोशिश, एक मिनट प्लीज। यहां पर देख लीजिए जो यस बैंक का करेंट प्राइस चल रहा था 237 रुपीज चल रहा था, मतलब कि दोस्तों जब 240 रुपीज था यस बैंक का, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि यस बैंक में बहुत तेज गिरावट होने वाली है। अगर आपने यस बैंक को खरीदा है तो वहां से निकल जाइए। देखिए आपके सामने प्रूफ है, ठीक है, यहां पर देखिए 237। तो सोचिए अगर आपको पहले पता होता, अगर आपने ये पहले वीडियो देख लिया होता तो आज के डेट में आपको लॉस नहीं होता, ठीक है। अब बोलेंगे कि ठीक है आप पहले बता दे तो कोई प्रूफ दिखाओ, और भी प्रूफ दिखाओ, ठीक है मैं आपको और भी प्रूफ दिखाता हूँ। ऐसे बहुत सारे प्रूफ है, आपको अपने यूट्यूब में जाना है और यूट्यूब में जाने के बाद ये जो सर्च बार है यहाँ पर सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। ये देखिए मैं ऑलरेडी सर्च करता हूँ इसलिए आ गया। अब यहाँ पर आपको जाना है, जाने के बाद ये आ जाएगा आपके पास आइकॉन, उसके बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा वीडियोस, आपको वीडियोस में क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही आप वीडियोस में क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर मेरा सारा वीडियो आ जाएगा, सारा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपको वन बाई वन, यहाँ पर देख लीजिए 1 डे पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था, 2 डेज पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था, और यहाँ देख लीजिए 2 डेज पहले, 3 डेज पहले मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। अब आपको मैं प्रूफ के तौर पर दिखाता हूँ, ठीक है, आपके सामने, ठीक है। ये मैंने वीडियो अपलोड किया था दोस्तों 4 डेज पहले, मतलब 4 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। आप जो है आप लोग सामने प्ले करके दिखाता हूं कि प्रूफ के तौर पे कि मैंने क्या बोला था ये स्टॉक में, और जो बोला था इसका प्राइस इंक्रीज होगा हो हुआ कि नहीं। अभी मैं 3-4 दिन का डेटा दिखाता हूँ आप लोगों सामने। और ज़्यादातर लोग यस बैंक को इस वजह से खरीदे हैं क्योंकि यस बैंक जो है बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुका था, इसलिए खरीद रहे थे। क्या आपने ये नहीं सोचा जो बहुत ज़्यादा गिर सकता है वो और भी गिर सकता है? सोचिए जो 100 रुपये से 50 रुपये बन सकता है, 50 रुपये से वो 20 रुपये भी बन सकता है, क्यों? सोचिए उसका अगर वैल्यू हाफ हो सकता है तो हाफ से भी हाफ क्यों नहीं हो सकता? इसीलिए जो गिरता है उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो में मैं आपको सबसे पहले तो आपको थंबनेल दिखाया, थंबनेल के बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ प्रूफ के तौर पर टाइटल। देख लीजिए मैंने बोला प्रेस्टीज स्टेट गुड वैल्यूएशन बाय इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। अब मैं आपको डेट दिखाता हूँ, ठीक है, डेट भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 9 जैन को, मतलब 9 जनवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। अब मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो प्ले करके दिखाता हूं कि मैंने क्या बोला था। हेलो दोस्तों, आज कंपनी का नाम दिखा देता हूं ये। एक मिनट, हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो कंपनी का नाम दिखा देता हूँ, ये है प्रेस्टीज एस्टेट। दोस्तों इसका जो भी करेंट प्राइस चल रहा है 316 के आसपास चल रहा है, तो ये आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपने नहीं खरीदा तो आप खरीद सकते हो। तो चलिए मैं अब इसके बारे में A to Z फंडामेंटल में आपको बताऊंगा। एक मिनट दोस्तों, फंडामेंटल तो आप बाद में भी देख सकते हो, ठीक है। मैंने इस वीडियो में क्या बताया आपको कि दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टॉक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला, और अगर आपने नहीं खरीद भी सकते हो। और कौन सा स्टॉक था? ये था प्रेस्टी स्टेट, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस चला था जब मैंने वीडियो बनाया था, कौन से डेट में मैंने वीडियो बनाया था, मैंने यहाँ पर देख लीजिए 9 जैन को मैंने ये वीडियो बनाया था, तब इसका जो करंट प्राइस चला था प्रेस्टीज का 316 रुपीज। आज के डेट में देखते हैं 4 दिन के अंदर जो है ये स्टॉक में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रूफ के तौर पे आज यहाँ देख सकते हैं प्रेस्टीज स्टेट का जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट बंद होने के बाद इसमें गिरावट भी हुआ, देखिए 339.55, मतलब 340 के आसपास चल रहा है, ठीक है, और गिरावट भी हुआ था। मैंने वीडियो जब बनाया था तब इसका करेंट प्राइस कितना चला था? 316 रुपीज़। और आज का हाइएस्ट भी तो चेक करते हैं कि ये हाइएस्ट कहाँ तक गया, ठीक है। तो इसका हाइएस्ट देख सकते हैं दोस्तों 353 रुपीज़, मतलब सोचिए इसमें मैंने आपको 35 पॉइंट प्रॉफिट निकाल के दिया, 35 पॉइंट, 35 पॉइंट। अब बोलेंगे कुछ तो इतना ही कुछ भी नहीं प्रॉफिट है, कुछ भी नहीं, चलो यार 10 पॉइंट पर। देखो मार्केट में प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहला बात अगर हिंदी में बोलूं तो मूलधन। मूलधन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेरा जितना कैपिटल, अगर मैंने 1 लाख रुपया मार्केट में इन्वेस्ट किया
मुझे प्रॉफिट मिले चाहे ना मिले, मुझे उसका कोई परवाह नहीं है, मुझे उसके बारे में टेंशन नहीं लेना, प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरा कैपिटल सेफ रहना चाहिए। अगर उसके बाद मुझे दो पैसा बनता है तो वो होता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट का पहला रूल। और ये देखिए, अगर आप लोगों को और भी जैसे कि डेमो टाइप में, ट्रायल टाइप में, एक आपने वीडियो देखा तो आपको बिलीव नहीं हो, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों टाटा मोटर रिलायंस में भी मैंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए क्विस कॉरपोरेशन में, आज तो दोस्तों क्विस कॉरपोरेशन जो है आज के डेट में हद ही पार कर दिया, इतना तो आप सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा रिटर्न आपको दे रहा। मैं यहाँ पर देख लीजिए 20 दिन के अंदर जो है 70 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, लेकिन अब 20 से 30 दिन होने वाला, 30 डेज होने वाला दोस्तों, 30 डेज में तो और भी कमाल कर दिया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए इसमें, ये 2 स्टॉक बताया था, इसमें दोस्तों एक ही दिन के अंदर दोनों स्टॉक में 10% का तेजी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सीमेंट का मैंने बताया था 6 दिन पहले, यहाँ पर 6 डेज पहले मैंने बताया था कि दोस्तों देखिए सीमेंट प्राइस इंक्रीज हो रहा, तो आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, ठीक है। और देखिए मैं आपको सामने जो है करके भी दिखाता हूं, एक मिनट, मैं दोस्तों आपको यहां पर जितना वीडियो दिखाया ना, आप सारे वीडियोस के साथ है पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं अपना, देखिए मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया, मैं आपको अपने सारे वीडियोस के साथ जो है इंटरेक्शन करवा रहा हूं, आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए बहुत लोग ऐसे बोले होंगे कि गेल का प्राइस गिर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन दोस्तों जब गेल का प्राइस गिर रहा था ना तो मैंने वीडियो बनाया था कि गेल का प्राइस इंक्रीज होगा, गेल को मत करो सेल। आज के डेट में जाके देख सकते हैं मैंने वीडियो बनाया था 118 के प्राइस पे, आज के डेट में 130 से भी ज़्यादा ऊपर चल रहा है, सोचिए। तो ये होता है प्रॉफिट का पावर, ठीक है। चलिए मैं प्रूफ के तौर पे वीडियो बना दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों सीमेंट प्राइस इंक्रीज, कौन सा शेयर खरीदें, यहाँ देख सकते हैं 700 का स्टॉक कैसे बन गया 5000, ठीक है। और डेट भी दिखा देता हूँ ताकि और आपको प्रूफ, जितना आपको प्रूफ चाहिए उतना प्रूफ आप जो है गैदर कर लो, ठीक है। ये मैंने वीडियो बनाया था 8 जनवरी को, मैंने ये वीडियो बनाया था, अब मैं आप लोगों के सामने जो है प्ले करके दिखा देता हूँ एज ए डेमो के तौर पर। ज्यादा से ज्यादा हम अपना फोकस डालते हैं इंश्योरेंस या बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन जो हमसे छूट जाता है वो एक मिनट थोड़ा सा और आगे सीमेंट तक। में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों सीमेंट प्राइस रोज बाय 24.25, मतलब 24 और 25 पर केजी, यहाँ देख सकते हैं पर 50 केजी बैग इन फरवरी। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वो स्टॉक है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों। अगर आप इस प्राइस भी खरीदना चाहते हो एसआईपी के मोड में, मतलब कि दोस्तों धीरे धीरे करके आप खरीदना चाहते हो, तो भी बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, आप लोगों को खरीदना ही चाहिए करके ये स्टॉक देख लीजिए, क्यों खरीदना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ तक ये भी बोला दोस्तों आप लोगों को ये स्टॉक खरीदना ही चाहिए इतना, और जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब इसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा था, 4318 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, ठीक है, 4318, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आज के डेट में करंट मार्केट प्राइस कितना है, ये देखिए आपके सामने 4318 रुपीज़ था और आज के डेट में कितना है 4480, मतलब कि दोस्तों हाइएस्ट प्राइस चेक कर लेते हैं 4500। तो देखिए इसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिला, हमारा कैपिटल भी सेफ है और हमें रिटर्न भी मिल गया। यहां तक कि आज के डेट में मैं ये भी बोलता हूं दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट का प्राइस और इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा, और उससे भी कमाल की बात, जब हम सर्विस देते हैं तो सर्विस अलग होता है और डेमो अलग होता है। डेमो में मैंने बताया अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में, और जो सर्विस दिया दोस्तों सर्विस में मैंने बताया जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनवरी को मैंने ये क्लाइंट को कॉल दिया था, मैं क्लाइंट का डेटा नहीं दिखा सकता सॉरी, क्योंकि आप भी अगर हमारे पास काम करोगे तो मैं आपका भी डेटा किसी को नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 जनवरी को मैंने बोला था जेके लक्ष्मी सीमेंट को बाय करने के लिए 282 के प्राइस में, ठीक है, 282 के प्राइस में फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे कस्टमर को यहाँ पर दिया था, देखिए मेरा हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पर दिया रहा था, मैंने दूसरे कस्टमर को भी दिया था दोस्तों जेके लक्ष्मी सीमेंट के, यहाँ देख सकते हैं 31 दिसंबर, मतलब कि 29 को ही मैंने दे दिया था 276 के प्राइस पर, यहाँ पर देख सकते हैं @276 फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। और यहाँ पर तीसरे कस्टमर को यहाँ पर दिखा देता हूँ जेके लक्ष्मी सीमेंट यहाँ पर करना था 276 के प्राइस में फॉर शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर भी। और ये भी देख लीजिए प्रूफ दोस्तों, हर जगह मैंने आपको दिया था कितना प्रूफ चाहिए। और आज के डेट में जेके लक्ष्मी सीमेंट का प्राइस देख लेते हैं, देख लीजिए जेके लक्ष्मी सीमेंट का प्राइस आज के डेट में कितना है दोस्तों, यहां पर देख लीजिए मैंने कितना बताया था 270 के भाव में बताया था, आज आपके सामने देख सकते हैं 342 है और हाईएस्ट कहां गया वो भी देख लेते हैं, 343 है। और आज भी मैं ये बोलता हूं दोस्तों जेके लक्ष्मी सीमेंट का प्राइस और इंक्रीज होगा। तो देखिए पहले आपको मैंने ये भी बताया कि येस बैंक का प्राइस बहुत ज़्यादा डिक्रीज भी होने वाला, कब मैंने आपको बताया, जब इसका प्राइस मतलब 200 के ऊपर था, जब 200 के ऊपर था 240 के आसपास था, आज देख लीजिए इसमें 40 रुपीज़ भी नहीं बचा। और उसके बाद मैंने बहुत सारे आपको स्टॉक बताए जिसमें प्रॉफिट बुक करना, और मैंने आपको यहाँ तक ये भी दिखाया दोस्तों आप हमारे सारे वीडियोज़ को कैसे देख सकते हो।
और कैसे आप हमारे सारे वीडियोस के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको सर्विस चाहिए तो दोस्तों आप हमारे सर्विस ज्वाइन करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको डेमो नहीं दिया जाएगा, सैंपल नहीं दिया जाएगा या ट्रायल जो भी बोल लो आप, यहाँ पर डेमो सैंपल ट्रायल नहीं दिया जाएगा। ये इसलिए क्योंकि दोस्तों जो भी बताया जाता है वो यूट्यूब में बताया जाता है, सब लोगों को एक तरह से ही बताया जाता है दोस्तों। तो जो भी आपको चाहिए सैंपल डेमो जो भी चाहिए ट्रायल, तो वो यूट्यूब में ही बताया जाता है। अगर आपको पेड सर्विस लेना है तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। ये देखिए ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप का परमानेंट नंबर है, ये पहला वाला नंबर, और ये जो दूसरा नंबर है ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे आने वाला वीडियो मिस ना हो जाए।